सो एक बहुत मस्त सा क्वेश्चन जो SSC CGL में पूछा गया 2021 में, इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी लिख दिया और स्पेलिंग अगर हिंदी का थोड़ा बहुत इधर हो तो यार देख लेना। यहाँ पे पढ़ता हूँ और समझाने का भी कोशिश करता हूँ, आप पॉज करके हिंदी में अच्छे से पढ़ लो क्योंकि मैं हिंदी मिटा दूंगा, ठीक है? तो और ट्राई भी कर लो, क्योंकि देखो इसमें जो कन्फ्यूजिंग होगा यहाँ पे 15 पे होगा, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? और मैं पढ़ूंगा हिंदी में भी, फिर समझा भी दूंगा। तो यहाँ पे सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर 140, कुछ फ्रूट्स समझ रहे ना, कुछ फ्रूट्स हम 15 के हिसाब से खरीदते हैं, यानी कि 15 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं 140 रुपये का, ठीक है? और उतना ही फ्रूट हम 10 के हिसाब से खरीदते हैं 120 रुपये का, ठीक है? अगर सारे फ्रूट्स को जितना भी हमने खरीदा वो 132 रुपये पर डजन, यानी कि देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो है ना पर डजन, यानी कि हम 12 बेच रहे हैं, या 12 दर्जन के हिसाब, 1 दर्जन या फिर 12 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है? यानी कि इन दोनों को, ये वाला फर्स्ट वाला सेकेंड वाला को मिला दिए तो टोटल 12 आया, उस 12 को हमने 132 में भेजा। तो यहाँ तो सबसे पहला क्या आप कर सकते हो कि सिक्स जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है उनको सिक्स मान सकते हो, एन का वैल्यू सिक्स रख सकते हो, ठीक है? इसको सिक्स लो, इसको सिक्स लो, क्वेश्चन करने में आसानी हो, क्योंकि टोटल ये दोनों मिला के 12 हो जाएंगे, 1 दर्जन हो जाएगा, 1 दर्जन का सीपी निकलेगा, ठीक है? कैसे निकलेगा अभी समझो कि सम फ्रूट्स आर ब्रॉट एट 15 फॉर 140, 140 यानी कि देखो 15 क्या है यहाँ पे, ये चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखो नंबर ऑफ फ्रूट्स हमने मान लिया कि एन है, ठीक है? यानी कि 15 रुपये के हिसाब से आप खरीद रहे हो, ठीक है? तो 140 मान लो कि तो आपके पास रुपया है, अगर 15 रुपये का एक है तो यानी कि ये एक का प्राइस हो जाएगा, एक का प्राइस हो जाएगा इंटू आप, हमने कितना लेना है, 6, ये वाला 6 लेना है क्योंकि हमें 12 बेचना है, तो हम 6 लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है? आप एन भी मान सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे आप एन भी मान सकते हो, लेकिन 6 मानोगे तो आपका ये 6 हो जाएगा, और सेकेंड वाला जब आप खरीदोगे उसका भी 6 क्वांटिकल, तो टोटल 12 हो जाएगा, उस 12 को ही बेचने में 132 रुपये का बेचते हैं, तो ये आसानी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 120 रुपया में खरीदता है और हर एक कदम 10 रुपया, तो यहाँ भी 6 कर दो, तो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से जो पहला खरीदे एक क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी खरीद A1 और दूसरा क्वांटिटी A2 मान लेते हैं, ठीक है? दोनों खरीदे तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, तो पहला हमारा इतना पड़ा था, 6 खरीदे तो कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा, तो यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 28, 28 दूना 56, ठीक है? तो 56 रुपीज़ हमें इस पहला क्वांटिटी का पड़ा, दूसरा का क्वांटिटी कर दे तो 72 रुपया सेकेंड क्वांटिटी का पड़ा, है ना? यानी कि दोनों क्वांटिटी जब हम कर दें तो हमको कितना प्राइस पड़ा, 7 और 5 12 होता है, यानी कि 128 रुपया हमें दोनों क्वांटिटी जब कर दें, यानी कि इसका 6 और इसका 6 कर दें, तो हमें 128 रुपया हमारा खर्चा हुआ, टोटल कितना हमने सामान खरीदा है, 12। अब यही क्वेश्चन बोल रहा है कि 132 रुपया पर डजन दोनों को मिला दे रहे हैं और 12 को बेच रहे हैं, तो हम 132 रुपया ले रहे हैं, तो 132 रुपया अगर 12 बेच रहा है तो मिल रहा है कितना में खरीदा है, 128 रुपये, यानी कि 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 128 पे, यानी कि 128 का खरीदा, 128 पे 4 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 64 ये हो जाएगा 50, आपको पता है 16 से 1 कट जाएगा, और ये 25 से और ये 25 से और ये 8 से, यानी कि 25/8 क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 24/25/ दिस, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो, थैंक्स।